अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख, आप देख रहे हैं सोलापुर नामा 24। आज हम अपने दर्शकों को जिस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटोले ने महाराष्ट्र के 10 महापालिका चुनाव में अपने बलबूते चुनाव लड़ने की बात कह दी। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद नाना पाटोले के हौसले बुलंद थे। उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर कहा कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। और नाना पाटोले का ये संकेत, ये इशारा इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस सोलापुर में अलग थलग अपने बलबूते चुनाव किस तरह से लड़ सकती है। 3 दशक तक महापालिका में कांग्रेस की सत्ता थी, उसके बाद कांग्रेस धराशा पे चली गई। सुशील कुमार शिंदे और परिणीति शिंदे कितना पार्टी को उभार पाएंगे, क्या 2022 के महापालिका चुनाव में कांग्रेस अपने बलबूते पर 51 का आंकड़ा पार कर पाएगी, क्या 14 में से 4 में सिमट जाएगी। नाना पाटोले की इस घोषणा के बाद इस बात के संकेत माने जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नाना पाटोले ने 3 पार्टियों के सामने एक अपना हुकुम का इक्का यानी एक ऐसा पत्ता फेंका है ताकि शिवसेना राष्ट्रवादी उन्हें स्वयं गठबंधन के लिए मनाएं और कहें और अपने बलबूते यानी अपनी शर्त पर 10 महापालिका चुनाव में सीट का सबसे ज्यादा बंटवारा कांग्रेस को मिले, इसके पीछे की राजनीति हो सकती है नाना पाटोले की। नाना पाटोले चाहते हैं कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस उन्हें स्वयं निमंत्रित करें और न्योता दें कि हम मिलकर चुनाव लड़ें। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नाना पाटोले ने 1-3 से 2 को अपना निशाना बनाया है। अपने बलबूते की चुनाव की घोषणा के बाद राष्ट्रवादी ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, शिवसेना भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। स्थानिक स्वराज संस्था यानी 10 महापालिका चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से उनका जो प्लानिंग है कि अपने बलबूते चुनाव लड़ने की बात कहकर दोनों पार्टियों को मझधार में यानी दोनों पार्टियों में एक असमझ की स्थिति बना दी है ताकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नाना पाटोले से बातचीत शुरू करें। मगर अधिकृत तौर पर राष्ट्रवादी और शिवसेना ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। नाना पाटोले चाहते हैं कि अगर अपने बलबूते 10 महापालिका चुनाव में लड़ते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी। सोलापुर में तो उनकी स्थिति पूरी तरह से धराशा पे नजर आएगी, मगर ये संकेत माना जा रहा है कि नाना पाटोले ने जानबूझकर ये पत्ता फेंका है ताकि राष्ट्रवादी और शिवसेना उन्हें गठबंधन के लिए न्योता दे। देखना है सोलापुर नामा इस बात को, जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास कर रहा है कि राजनीतिक पार्टियों की मंशा हम अपने दर्शकों के सामने लाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस जो रणनीति अपना रही है उसको हम अपने दर्शकों के सामने उजागर करना चाहते हैं। देखते ही रहे सोलापुर नामा की एक राजनीतिक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।